हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्यों यूज किया जाता है? बेसिकली आपके लाइन ऑफ कोड जो भी है कोड में वो कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के दो सिंटैक्स होते हैं बेसिकली, मैं वो दिखा दूँ पहले। तो आपको पहला वाला सिंटैक्स होता है इस तरीके से दिखता है कुछ, तो वेरिएबल का नाम लिख दो, देन ये लिस्ट के अंदर आप बेसिकली जब फॉर लूप और इफ एल कंडीशन यूज करते हो तब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनता है। तो वही है, तो लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिख सकते हो या फिर एक्सप्रेशन लिख सकते हो। उसके बाद फॉर लूप लिखना है, देन कोई भी फॉर लूप पूरा जैसा लिखते हैं ना, फॉर आई इन रेंज वाला वो आइटम या फिर कुछ भी लिख सकते हो। और आइटरेबल चीज़ें जो रहते हैं लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल वगैरह वगैरह पे जिसपे आप आइट्रेट कर सकते हो, वो आइटरेबल चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। रेंज भी जो है आइटरेबल है वो रेंज भी डाल सकते हो, बट इफ उसके बाद जो भी कंडीशन आपको देना है वो। तो ये पहला सिंटैक्स है, उसका एक एग्जाम्पल देखता है। जैसे कि मेरे को इवन नंबर जनरेट करना है लिस्ट के अंदर एक लाइन में, तो कैसे जनरेट करेंगे? सिंपल सा बात करेंगे हम लोग को इवन नंबर जनरेट करना है तो हमें पता है बेसिकली, मैं दिखा दूँ हम लोग सिंपल क्या करते थे। फॉर इवन नंबर जनरेट करना होता, मैं पहले तो लिखता लाइक से एल नाम की एक लिस्ट बना देता एम टी, और उसके बाद फॉर लूप लगाता, फॉर आई इन रेंज मैं बोलता 1 से 30 तक के चाहिए तो, और उसके बाद मैं बोलता इफ आई मेरा मॉड्यूलो 2 करा मैंने तो इक्वल टू 0 आ रहा है। इफ आ रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, एल डॉट अपेंड कर दूंगा आई को, सो मेरा इवन नंबर उसमें चले जाते। ये एक वे था। इसमें मेरे को देखो कितने लाइन ऑफ कोड लगे, 3 लाइन ऑफ कोड लगे, राइट? तो अब इसी चीज को हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे करेंगे, हम देखो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में इसी चीज को करने के लिए जस्ट आपको क्या लिखना है, आपको जस्ट ये पूरा का पूरा फॉर लूप जो है, ये जो पूरा का पूरा फॉर लूप है इस चीज को पूरा कॉपी कर लो, ठीक है? ये चीज को पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पे लगा दो, ठीक है? यहाँ पे चिपका दो, मैं यहाँ पे अभी चिपका देता हूँ, ठीक है? ये चिपका दिया। अब यहाँ पे मैंने आई लिखा था, मैं यहाँ पे भी आई लिखूंगा, क्यों लिखूंगा मैं बताता हूँ। अब उसके बाद आप सभी को इफ कंडीशन था, उस कंडीशन को भी फॉर लूप के बाद लगाओ, क्योंकि फॉर लूप के बाद ही है वो इफ कंडीशन। तो यहाँ पे भी फॉर लूप के बाद मैंने वाला इफ कंडीशन लगा दिया। अब बस ये सब हटा लो, कोलन वगैरह। अब जब भी आप अपेंड करना चाहते हो लिस्ट में, जो भी चीज आप अपेंड करना चाहते हो, क्या अपेंड कर रहे हो, आई, वो वाली चीज यहाँ पे लिख दो। जो भी चीज अपेंड करना चाहते हो वो पहले नंबर पे लिख दो, फॉर के आगे लिख दो। इसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इससे क्या होगा, आप एक लाइन में वही चीज को अचीव कर पा रहे हो जो यहाँ पे अचीव हो रहा था। दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। इसका आउटपुट देखो इस तरीके से दिखेगा, रन करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से दिखेगा। इफ यू वांट मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो सेकेंड टाइप क्या होता है इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, बस क्या होता है, बस इफ एल्स यूज करना हो लाइक, तो आपको लिखना है वो वेरिएबल का नाम और उसके बाद इफ कंडीशन जो देनी है वो, एल्स ये कंडीशन, उसके बाद फॉर लूप जो लिखना है वाला। तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये लिस्ट पहले से थी, तो लिस्ट में जो भी 4 आएगा ना, जब 4 आएगा तो मेरे को उस जगह पे एप्पल डालना है। मैं इस चीज को कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा वो उस जगह, इस चीज को करने के लिए आइटरेबल चीज कैसी थी, आप कोई भी लिस्ट बना लेते। लेट्स से लिस्ट टू इक्वल टू वो एम टी रहता और फॉर आई इन रेंज आई इन बोलते हैं कि लिस्ट वन में जो भी लिस्ट वन पहले से बना है वो, उसके बाद बोलते इफ मेरा आई जो भी है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो, समझ लो नॉट इक्वल टू हो 4 के, तो आप बोलते हैं एल टू डॉट अपेंड जो भी आई है वो, एल्स आप बोलते हैं एल टू डॉट अपेंड बनाना, एल टू डॉट अपेंड बनाना, ये हो जाता था। अब जो भी एप्पल है यहाँ पे एप्पल एप्पल कर देते हैं। सो ये इतना चीज, इतना कोड लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में देखो जरा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यही चीज को इस फॉर लूप को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब इफ एल्स को आगे लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम लोग तो देखा इफ एल्स को खाली इफ कंडीशन तो ऐसे लगा सकते हो, बट इफ एल्स की यहाँ पे दो कंडीशन है, इफ एल्स भी है। तो यहाँ पे इफ एल्स लगाने के लिए इफ बोलो, जो ये चीज थी ये यहाँ पे कॉपी कर लो, इफ वो चीज को कॉपी कर लो, अपेंड वाला चीज मत कॉपी करना। अब ये कैसे होता है, इफ कंडीशन सही हुआ, ये वाला कंडीशन सही हुआ तो डायरेक्टली अपेंड कर देगा, समझ रहा है? जो भी कंडीशन सही हुआ तो यहाँ पे अपेंड कर देगा, एल्स पे जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है इफ कंडीशन सही हुआ तो एल्स पे जाता नहीं है। ये कंडीशन नहीं सही हुआ तो यहाँ पे एल्स पे जाएगा, यहाँ पे एप्पल था तो एप्पल अपेंड करेगा। आई होप आपको समझ में आया, इधर जाके एप्पल अपेंड कर दिया। तो आप देखो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। इस चीज को रन भी कर दूँ तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एप्पल आ गया उस 4 की जगह पे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, इसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो एक बार ट्राई करना और अपना कोड जो है छोटा करके देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।